हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? तो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल 11 टेलर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्लिम फिट फिट शर्ट की कटिंग करने का सही और आसान तरीका क्या है। साथ ही इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप जब चैनल पर आ गए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और हो सके तो घंटी को ऑल पे कर दें। दोस्तों, कपड़ा हमने बिछा लिया है। कपड़े का अर्ज है 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो देखो, कपड़े आप सबसे पहले हमने दिखाए, कपड़े में दिखाया है आपको ये कपड़ा अंदर तो सीधा है और उल्टा इस तरफ है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसको किनारे को हमें एक सा करना है इस तरह से। ये जो कपड़ा हमने लिया है इस तरह से, उस किनारे को एक सा करना है और स्टेप को हमें बाहर निकालना है। तो एक मार्ग हमें यहाँ पे करना है इस तरह से। अब दोस्तों क्या करना है, एक बार हम इसका मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। मेजरमेंट क्या क्या है, 27.5 तो लेंथ है, 32.5 चेस्ट है, स्टोमक है 29.5 इंच, शोल्डर है 18, नेक है 14.5 और स्लीव है 24 और हिप है 34। तो कपड़े को बिछाने के बाद सबसे पहले हम इसमें मार्किंग करेंगे इस तरह से। इंच टेप को लेंगे और सबसे पहले नेक देखेंगे। हम नेक कितनी है, 14.5 इंच, 14.25 इंच हम एक मार्क करेंगे। और इसका चेस्ट है 32.5 इंच, तो चौथा भाग 8.25 इंच, यानी 8 इंच 2 सूत, 8 इंच 2 सूत पर हम इसमें मार्क करेंगे। और लेंथ है 27.5 इंच, तो 27.5 में हम 1.5 इंच इंक्लूड करेंगे। आप ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लंबाई अगर रखना है हमें तो उसमें 1.5 इंच इंक्लूड करें। 27.5 है तो 28 और 29, 1.5 इंच हमेशा आप इंक्लूड करेंगे तो आधा पौना इंच इधर से जब जाएगा तो बिल्कुल 27.5 एक्यूरेट फिक्स आएगा। अब यहाँ पे स्टोमक का नाप रखना है हमें, तो हमेशा ध्यान रखें जितना भी सीना रखना है आप 8.25 इंची, तो 8.25 इंची में से 2 सूत कम कर दो, पेट का नाप निकल जाएगा इस तरह से। अब हमें यहाँ पे पट्टी को अंदर करने के लिए 2 इंची का मार्क ये देना पड़ेगा इस तरह से। नीचे तक हम इसमें 2 इंची का मार्क इस तरह से दे देंगे। अब इस पूरे मार्क को हमें एक सा करना है, पट्टी को ये अंदर जाएगी ये पट्टी। इस तरह से ये जो पट्टी है अंदर जाएगी। अब यहाँ पे भी हमें नाप नेक का नाप लगाना है, तो 2.25 इंची हमने यहाँ रखा था, तो 2.25 इंची हम यहाँ रखेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ से शोल्डर हमें कितना रखना है, शोल्डर है 18 इंच, तो 18 इंच रखना है हमें। तो यहाँ पे 2 इंची 2 सूत, तो 18 इंच 9 इंची रखेंगे हम, ये आधा और 2 सूत हम इसमें दबाव छोड़ेंगे 18 इंच इस तरह से शोल्डर में। अब यहाँ से हम इसमें डाउन शोल्डर करेंगे, कितना करेंगे, 2 रखा था तो 2.25 इंची हम डाउन शोल्डर रखेंगे इसमें। यहाँ पे डाउन शोल्डर हम इसमें रखेंगे 2.25 इंची का। अब यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हम ये पूरे मार्क को एक सा करने के लिए इस तरह से कपड़े को बिछाएंगे और चेस्ट का नाप भी इस तरह से, पेट का और चेस्ट का और लंबाई का नाप लेंथ इस तरह से निकाल देंगे। अब इस पूरे मार्क को हमें एक सा करना है, तो इस तरह से इसको स्केल से एक सा कर देंगे। अब 32.5 चेस्ट है, तो 8.25 इंची यहाँ पे चौथा भाग रखा जाएगा, 8 इंची 2 सूत। और यहाँ पे हमें स्लिम फिट बना रहे हैं, तो 2.25 इंची का इसमें दबाव भी आ जाएगा और फिटिंग के लिए मार्जिन भी आ जाएगा। स्टोमक है 29.5 इंच, स्टोमक है 29.5 इंच, तो 7.5 में 1 सूत कम रखेंगे हम यहाँ पे इस तरह से, और 2.25 इंची का मार्क हम यहाँ पे करेंगे। इसी तरह से हम हिप रखेंगे नीचे, हिप है 34, तो 8.5 इंची और 2.25 इंची का मार्क हम नीचे करेंगे। तो इस पूरे मार्क को हम एक सा कर देंगे इस तरह से दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो कम से कम 0.25 इंची हमें अंदर की तरफ डाउन करना है यहाँ पे इस तरह से, ताकि आर मोल में राउंड अच्छे से आ सके इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें राउंड देंगे इस तरह से। अब आर मोल में जितना अच्छा राउंड आएगा उतनी अच्छी कटिंग होगी। अब हम नेक का निशान लगाना है, तो नेक को भी हम इस तरह से
मार्किंग कर देंगे और शोल्डर को निशान लगा देंगे इस तरह से। नेक हमें यहाँ पे रखना है तो 14.5 इंची हम यहाँ पे लिख देते, इसमें हम हिप लिख देते और सीना लिख देते हैं। स्टोमक है 29.5 इंच, 29.5 इंच हम स्टोमक ले लेते हैं और यहाँ पे हमें 1.5 इंची का एप्पल राउंड देना है। दोस्तों फ्रंट साइड का निशान हमने अच्छे से लगा दिया, अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। दोस्तों फ्रंट साइड का निशान हमने लगा दिया और उसके साथ हमने इसकी कटिंग भी कर दी। आपको जो भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रंट साइड हमने निकाल दिया, हम इसकी स्लीव निकालेंगे। स्लीव में आप पूरा साढ़े 32 इंच चेस्ट है तो 32.5 इंच यहाँ से हमें बिल्कुल 8.25 इंची पे हमें यहाँ पे मार्क करना है। इस मार्क को पूरा एक्सा करना है इस तरह से। तो एक मार्क यहाँ लगाना है हमें इस तरह। अब दोस्तों लेंथ कितनी है, हमें लेंथ देखना है। यहाँ पे लेंथ 24 इंच, 24 इंच हमें यहाँ पे फिक्स रखना है इस तरह से और 5.5 इंची का एक मार्क हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ से हमें करना है 3 इंची का मार्क, तो इस मार्क को हमें एक सा कर देना है इस तरह से। यहाँ पे अब हमें स्केल की इस मदद से हमें इसमें राउंड देना है, इसलिए फिट शर्ट बन रही है, इसलिए इसमें यहाँ पे हल्का सा गड्ढा आना चाहिए जिससे कि बिल्कुल फिटिंग परफेक्ट आएगी। अब यहाँ से हल्की सी किनारी हमें बाहर निकालना इस तरह से। तो स्लिप का निशान हमने लगा दिया है, हम इसे कटिंग कर देते हैं। एक कुटका तो हमें यहाँ लगाना है इस तरह से। तो ये जो हमने मार्क करा इस तरह से, ये फ्रंट साइड है, इसमें यहाँ पे हमें यहाँ पे घंटा देना है ताकि ये आर्क होल में अच्छे से बैठ सके। एक राउंड हमें इसमें यहाँ पे देना है इस तरह से। आई होप आपको ये स्लिप कटिंग करना आ गई होगी। स्लिप कटिंग करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। अब हम इसकी बैक साइड निकालते हैं। यहाँ पे हमें नाप लेना है 16 इंची,
कौन इंची हमें बाहर निकालना है, तो यहाँ से भी हमें फ्रंट पे नाप लेना है पौना इंची, तो पौना इंची बाहर निकलेगा, सामना पौना इंची बाहर निकलेगा बैक पे रख के इस तरह से। पौना इंची हम बैक साम फ्रंट साइड निकाल देंगे बाहर बैक पे रखने के बाद। अब ये फॉर्मूला है तो यहाँ पे हम इसकी बिल्कुल किनारी से मार्क करेंगे और एक मार्क यहाँ पे करेंगे। अठारह शोल्डर है तो 9 इंची और 2 सूत इसमें दबाव, उसको हम राउंड दे देंगे इस तरह से स्केल से। साथ ही दोस्तों हम इसमें वीडियो में सीखेंगे कि तीरा छोटा या बड़ा कटिंग किस तरह से किया जाता है। अगर तीरा जो है अगर इस लाइन पे बिल्कुल बराबर आ रहा है तो तीरा कटिंग करने के 2 तरीके हैं, एक तो हम इस वो भी बताएंगे और दूसरा तरीका ये बताएंगे कि अगर यहाँ पे बैग अगर छोटी है इस तरह से, यहाँ से अगर बैग छोटी है बैग हमने 1 इंची कम करी है तो तीरा कितना रखना चाहिए, अगर हम बैग यहाँ से काट रहे हैं तो तीरा कितना रखना चाहिए, शोल्डर कटिंग किस तरह से करना चाहिए, और अगर हम तीरा बड़ा रख रहे हैं यहाँ से बराबर से तो तीरे के शोल्डर जो है कितना नाप रखना चाहिए। तो दोनों बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये तीरा इन दोनों नापों में किस तरह से रखना चाहिए, आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हमने बैग का निशान लगा दिया और तीरे का निशान हमने यहाँ लगाया है, तो इस हिसाब से तीरा हम कटिंग करना बताएंगे। तो इसकी बैक साइड हमने इस तरह से निकाल दी है। आज मैं आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो किनारी है बिल्कुल बराबर आ रही है, अब यहाँ से पीछे से बैक साइड हमें 1/2 इंची कम करना है ताकि ये पहनने के बाद शर्ट जो है पीछे की तरफ भगेगी नहीं और दोनों तरफ से बिल्कुल एक सी दिखेगी। अब हम इसका शोल्डर कटिंग करेंगे, तो शोल्डर में हमने क्या करा, क्या बताया आपको कि अब हम इसका शोल्डर कटिंग करेंगे। शोल्डर कटिंग करने में मैंने आपको बताया कि शोल्डर में तीरे का जो ना शोल्डर हमें कितने इंची का रखना है, अगर हम यहाँ से कटिंग कर रहे हैं यहाँ से बिल्कुल बराबर से तो शोल्डर कितना रखना चाहिए, और 1 इंची अगर 1/2 इंची हम यहाँ से कम कर रहे हैं तो शोल्डर का माप क्या रखना चाहिए। चलिए हम सबसे पहले शोल्डर की कटिंग देख लेते हैं, उससे पहले हम इसमें मार्क कर लेंगे। अगर हम उसको नीचे से कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 इंची बढ़ा के हम उसे शोल्डर को कटिंग करेंगे, यहाँ से 1 इंची पे निशान लगा लें इस तरह से, इसको स्ट्रेट करेंगे और ये 1 इंची बढ़ा के हमें निशान लगाना है। अब कपड़ा हम नाप लें शोल्डर कितना है 18 इंची और 2 सूत हम बाहर निकालेंगे इस तरह। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंची बाहर निकाल के 4.5 इंची पे मार्क करना है, यहाँ से 1 इंची बाहर निकाल के 4.5 इंची मार्क करना है, और यहाँ से हमें 1 इंची बाहर निकाल के यहाँ से 6.5 इंची पे मार्क करना है इस तरह से। और यहाँ से हमें जैसे तीरा शोल्डर ने के हमने 2.25 इंची पे रखा था, यहाँ पे भी हम 2.25 इंची का मार्क करेंगे इस तरह से। इस तरह से देखो हमने दो नाप इसमें लगाए हैं, आपको दोनों नाप मैंने बता दिए। अगर हम पीछे बैग की तरह कटिंग 1 इंची कम करके काटना है तो यहाँ पे 1 इंची हमें बढ़ाना पड़ेगी, और अगर हम इसमें बराबर रख रहे हैं इस तरह से, अगर हम इसमें ये बराबर रख रहे हैं बैग, तो फिर हमें यहाँ से 3.5 इंची यहाँ से नापना पड़ेगी, 3.5 इंची का शोल्डर यहाँ पे रखना पड़ेगा इस तरह से। दोनों बातें क्लियर,